आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन चौपाल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश में सरकार के कार्य थे उन सभी कार्यों को गिनाया और साथ ही ये भी कहा कि कोरोना पर अब कंट्रोल हो गया है और साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। कोरोना की तीसरी महामारी पर भी नियंत्रण किया जा चुका है। आज जब हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव को 10 फरवरी को अंदर संपन्न करेंगे तब तक तीसरी वेव भी नियंत्रित हो चुकी होगी। भाइयों बहनों, आज जिन 21 विधानसभा क्षेत्रों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है इसमें आगरा, मथुरा और बुलंदशहर की 21 विधानसभाएं हैं। इन तीन जनपदों में हम सब जानते हैं 2017 के पहले क्या स्थितियां थी। ये वही जनपद है जहां 2012 में मथुरा में उत्तर प्रदेश का पहला दंगा कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। बुलंदशहर के उपद्रव रहे हो या फिर मथुरा का जवाहर बाग की वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसने सैकड़ों हेक्टेयर में फैले हुए बाग पर सत्ता के संरक्षण में न केवल अवैध कब्जा होता है बल्कि गुंडागिर्दी और अराजकता का जो तांडव 12 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आगरा की अराजकता ये किसी से छुपी भी नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 के पहले अव्यवस्था अराजकता का तांडव था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। Download it now.